एकजुट होकर प्रधानमंत्री से पहुंचा बिहार राज्य के सभी राजनीतिक दल से सरकार ने इनकार कर दिया। पहले अपने खुद का क्या उम्मीद कोई जगह के बाद या महज एक सियासत। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है, वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं आखिर हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए। जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं, तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास, अभी किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने OBC की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है OBC में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां जिसमें BJP भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिल करके जो है दो बारी विधानसभा से पारित किया गया। तो अब प्रश्न जब पूछा गया पार्लियामेंट में तो बोला गया कि कोई पॉलिसी नहीं। लेकिन आपको भी पता है आदरणीय लालू जी, मुलायम सिंह जी, UP के सरकार में, मनमोहन जी के समय में जातीय, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हुई थी। लेकिन उसके आंकड़े जब केंद्र सरकार जो भी रहे उसके बाद स्पष्ट जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, ये बताया गया कि भाई करप्ट हो गया है डेटा। और हम लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है, और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे, तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा। तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए, तो ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी बात, खर्चे की जहाँ तक आई, तो भाई जो सेंसस ऑलरेडी होता है ST का, SC का, आपका माइनॉरिटीज का, तो उसमें एक कॉलम ही जोड़ना है। जब खर्चा जब जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं। तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और पाते हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे, और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतज़ार है निर्णय का। अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो ही चुका था, वो तो करप्ट हो गया। अगर केंद्र सरकार नहीं मानती, वो पुराने ढंग पे ही होगा, फिर क्या रहेगा? तो राजनीतिक हम लोगों कहीं तो हम देखिए, केवल ये बिहार के लिए नहीं है। अभी ये मानना कैसे है जब हम लोग आकर के कह रहे हैं केवल बिहार के लिए नहीं। आपको एक बात, और ये डेलीगेशन जो मिला है केवल बिहार की जाति जनगणना के लिए नहीं मिला है, ये पूरे देश के जाति जनगणना के लिए जो है हम लोगों की मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। हम निर्णय है, आप लोग सियासी तौर पर भी करीब आ रहे हैं सर, मुद्दे मिल रहे हैं आप दोनों के। नेशनल इंटरेस्ट पे अगर देश के लिए, विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए अगर कोई काम होगा,
तो विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष का कोरोना काल में भी सहयोग किया, लेकिन केंद्र सरकार जो है जब महामारी से जब लोग परेशान थे उसमें भी हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि जो सहयोग चाहिए होगा वो देने के लिए हम लोग तैयार। केंद्र सरकार अशोक।